हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे का है व्रत, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मूंगफली ले ली है और काजू और मखाने। तो मखाने कम थे तो मैंने इसमें डाल ली है मूंगफली, तो इनको कर लेती हूँ फ्राई। और साथ में बन रही है चाय। जैसे फ्राइडे के व्रत में कुछ खटाई वटाई नहीं खाई जाती, तो सुबह सुबह मैं चाय के साथ यहीं ले लेती हूँ। जैसे सुबह के बजे हैं 9, तो मेरी सुबह वाली चाय नहीं होती है, सीधी 9 बजे ही होती है चाय, जब ताज़ा दूध आ जाता है। तो इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। और किस किस को पसंद है वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना व्रत में कौन। और यहाँ पर कर लिया है, दूध आ गया था, दूध गर्म करके मैंने रख दिया है। और जैसे कितने अच्छे से खिली खिली से जैसे चने फूलते हैं, वैसे मूंगफली भी चटक रही हैं, अच्छे से फ्राई हो रही हैं। और आप सब जैसे वीडियो देखने पर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटे को ज़रूर दबाएं, न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हो तो ये फ्राई हो गए थे, इसे मैंने नमक नहीं डाला है, घी से ही फ्राई किए हैं, नमक भी नहीं डाला। और मैंने बन गई है साथ में चाय, वो भी छान ली है। और बिल्कुल जैसे मूँगफली इतनी अच्छी है कि कितनी फूली फूली सी बनी है, जैसे चने फूल जाते हैं वैसे। फिर ये है शाम का टाइम, शाम को बना रही हूँ मैं खाना। तो बच्चों को खाना था आलू और चने की सब्जी, तो मैंने बच्चों के लिए बना देती हूँ। जैसे दूसरे दिन की है ये वीडियो, शाम को ही की है, उस दिन तो फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई जैसे फ्राइडे की। यह है सैटरडे की, आज की ही है जो वीडियो जाएगी। तो मैंने बच्चों को, कल था तो कल फ्राइडे था तो कटाई नहीं खाते, इसलिए मैंने नहीं बनाया टमाटर टमाटर डाल के, तो आज मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू ले लिए, चने बॉईल कर लिए थे थोड़े से, और टमाटर कट कर लिए थे, उसके बाद लगा दिया छोंक। तो छोंक में जीरा हींग जैसे अजवाइन जो हम डालते हैं वो डाला, ऊपर से टमाटर डाल दिया, ऊपर से मसाला डाल देते हैं। तो मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई है, सब्जी सब्जी की बनाई है, जैसे क्या क्या बनाया है। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले, 4 मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और मिर्च, ये सभी मसाले मैंने डाल दिए हैं। और उनको लेती हूँ पका थोड़ा सा। तो फिर मैंने मसाला डालने के बाद उसमें डाल दिए थे आलू, जैसे फ्राई हो जाएंगे इसी में भी थोड़ा सा, इनको भी जैसे मसाला में फ्राई कर लेती हूँ। तो अच्छे से मसाला मिक्स किया और 5 मिनट तक मैंने इनको इसी में पकाया है। पहले इसमें चने नहीं डाले हैं मैंने। तो मसाला भी अच्छे से पक गया है और आलू भी थोड़े से फ्राई हो गए हैं। और अब डाल देती हूँ चने। चने में जो पानी था वो इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि धो के साफ करके मैंने अच्छे से इनको थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो दिया था और फिर थोड़ा सा बॉईल कर दिया था। तो अब जैसे यहाँ कुकर में सीटी लगेगी तो इसके साथ अच्छे से पक जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी और डलेगा, क्योंकि आलू चने और दोनों पानी ज़्यादा लेते हैं, तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है इसमें। और इसको कर दिया है मिक्स 5 मिनट के लिए। तो मैं वैसे पकाऊंगी ढक के बिना सिटी के, जैसे 5-7 मिनट के लिए। कलर कितना अच्छा आ रहा है। तो सब्जी बन गई थी मेरी, और साथ में क्या क्या बनाया है वो दिखाती हूँ। पूड़िया बन गई है मेरी, और सूजी का बनाया है हलवा, खीर बनाई है, जितना बच्चों का मनपसंद खाना था मैंने सब बना दिया है। जैसे कभी मन होता है बच्चों का खाने का, तो ये बन गई थी आलू और चने की सब्जी। तो इसमें लिया है निकाल और इसमें डाल देती हूँ नींबू, नींबू से और टेस्टी बन जाएगी सब्जी। तो जिसमें मैंने और कोई चीज़ शेयर नहीं की, तबीयत थोड़ी सी डाउन थी इसलिए मैंने जैसे बनाया, तो इसमें नहीं कोई भी चीज़। और कई बार मैं कर भी चुकी हूँ ये सभी चीज़ें शेयर आपके साथ, तो इसलिए भी नहीं की मैंने। और कुछ तबीयत ख़राब थी तो मैंने जल्दी जल्दी बना दिया खाना। जैसे आलू की सब्जी बना ली थी तभी मैंने आटा लगा के रख दिया था, फिर मैंने थोड़ी सी खीर चढ़ा दी थी, चावल वाली खीर बनाई है, और सूजी का बनाया है हलवा। तो सभी चीज़ें बन के हो गई हैं तैयार। तो अब लगा देती हूँ बच्चों को खाना, पूजा वूजा सब हो गई है शाम की। और फिर मैं आ गई थी खाना डालने बच्चों को। तो यहाँ पर लगा दिया मैंने खाना। जैसे रोज़ रोज़ तो तली चीज़ें बच्चों को नहीं खिलाते हैं, और नहीं जैसे पराठे खाते हैं
जब इनका कभी 10-15-20 दिन में मन होता है तब इनको बना देते हैं, इनका मनपसंद खाना तो अच्छा लगता है, बच्चों को भी ज़्यादा वो नहीं होता। और साथ में कचौरी जैसी पूड़ियाँ बनी हैं, मैंने इसमें डाला था जैसे मोइन डाला था, अजवाइन डाली थी और सूजी डाली थी, तो अच्छी पूड़ियाँ बन के तैयार हो